नमस्कार दोस्तों। सो फ्रेंड्स, वैकेंसीज एक बार फिर से यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई। रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे आ चुका है। इसमें दोस्तों अलग अलग पोस्ट यहाँ पे शामिल कर ली गई। बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पोस्ट का नाम बताया जा रहा, लैब टेक्नीशियन, तो इसमें लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है। रेडियोलॉजी के यहाँ पर और एक्सरे टेक्नीशियन जैसी पोस्ट भी यहाँ पर शामिल कर ली गई। और नर्सिंग का भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट है, तो नर्स ग्रेड 2 की पोस्ट भी यहाँ पर शामिल कर ली गई। और दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग ये जान लें, इस बार जो वैकेंसीज यहाँ पर जो रिलीज़ की गई, हेडिंग आप सभी लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड। तो दोस्तों राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड, इनके द्वारा रिक्रूटमेंट यहाँ पर आ चुका है। एडवर्टीजमेंट का पूरा भर्ती विज्ञापन आप लोगों को यहाँ पर दे दिया गया। डायरेक्टली मैं आपको वैकेंसी टेबल की ओर ले चलता हूँ। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, जितनी भी पोस्ट यहाँ पे जो शामिल की गई, ऑल इंडिया लेवल पे यहाँ पे रहने वाली है। मीन्स आप किसी भी राज्य से, किसी भी स्टेट से बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल कैंडिडेट भी अप्लाई करें और फीमेल कैंडिडेट भी आप लोग अप्लाई करें। इसके लिए आप लोग जो है एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग फिल करेंगे। आप डायरेक्टली बढ़ जाते हैं जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वैकेंसी टेबल में दी जा रही। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे आपको पोस्ट का कोड आपको ये बताया जा रहा है। तो पोस्ट का कोड ये है और पोस्ट का नाम भी आप लोगों को बता दिया गया। तो पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन की ये पोस्ट है ग्रेड 2 की। और सैलरी पैकेज देखिए, करीब करीब आपको 22,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी इस पोस्ट के लिए। एक ही पद यहाँ पर शामिल कर लिया गया और अनरिजर्व कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखते हैं, मीन्स अगर आपके पास 12th क्लास पास है और साइंस सब्जेक्ट में आपकी 12वीं कक्षा पास है, साथ ही साथ 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का, मीन्स DMLT का कोर्स है, तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और कम से कम जो है 55% मार्क्स ये आपके क्वालिफिकेशन में होना आपका ज़रूरी बोला गया है। इसमें आपको एज लिमिट भी बता दी गई, तो 31 ईयर्स जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और बाकी के जो यहाँ पे बसते हैं 5 साल का कंसेशन चिल्ड्रंस के लिए है। फैमिली मेंबर्स जो यहाँ पे विक्टिम्स हैं 1984 राइट्स के, और एक्सपीरियंस भी दोस्तों इसमें आप लोगों के पास यहाँ पे रहना चाहिए। तो इसके लिए आपको 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। और यदि आपके पास दोस्तों BSc डिग्री है इसी फील्ड में, तो भी बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 55% मार्क्स से जो है आप लोगों की यहाँ पे क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो, 31 साल उम्र आप लोगों की रखी गई, और इसमें भी 2 साल का आपको कार्य अनुभव चाहिए, आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 2 की पोस्ट है, 22,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये सैलरी मिलेगी। इसमें भी एक पोस्ट यहाँ पर शामिल की गई और अनरिजर्व कैटेगरी में ये एक पोस्ट है। 12th क्लास आप लोग पास है, 2 साल का डिप्लोमा रखते हैं रेडियोग्राफी का, तो बिल्कुल अप्लाई आप लोग कर पाएंगे। इसी फील्ड में आपको क्वालिफिकेशन चाहिए और मिनिमम परसेंटेज जो है कम से कम 55% मार्क्स जो है आपके क्वालिफिकेशन में कंप्लीट होना जरूरी है। 31 साल उम्र आप लोगों की यहाँ पर रखी गई, 2 साल का कार्य अनुभव मांगा जा रहा है। और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर BSc डिग्री रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए BSc डिग्री वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई करें, और 55% मार्क्स जो है आपके सेमेस्टर्स में यहाँ पर लास्ट सेमेस्टर में हो, और अपर एज लिमिट जो है आपकी 31 साल यहाँ पर रहेगी, और इसमें भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद दोस्तों नर्स ग्रेड 2 की पोस्ट है, इसमें आपका जो सैलरी है 22,000 से 60,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। 2 पद इसमें शामिल कर लिए गए, एक पद यहाँ पे अनरिजर्व में, एक पद यहाँ पे शेड्यूल कास्ट में रहेगा। BSc नर्सिंग वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपके पास GNM का डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। आपके पास क्वालिफिकेशन में कम से कम 55% मार्क्स, इतने मार्क्स जो है आप लोगों की यहाँ पे पासिंग मार्क्स यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन में होना चाहिए। 31 साल उम्र यहाँ पे रखी गई अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 36 साल यहाँ पे रखी गई, और भी यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे तय किया गया है। इसमें आपको 2 साल का कार्य अनुभव चाहिए 20-बेडेड हॉस्पिटल के अंतर्गत, और ये ऑपरेशन थिएटर का हो, और वैलिड आप लोगों से रजिस्ट्रेशन मांगा जा रहा है स्टेट नर्सिंग काउंसिल का हो, या फिर आपका यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल के तहत हो। और दोस्तों जितना भी आप लोगों का एक्सपीरियंस है आपकी क्वालिफिकेशन के बाद, ये आपके पास होना ज़रूरी है, और रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल में आप लोगों को यहाँ पे महत्वपूर्ण यहाँ पे बोला गया है। और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर गाइडलाइंस तैयार किए गए।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको अप्लाई किस तरीके से करना है और लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या रहेगी। तो सबसे नीचे की तरफ आप लोग यहाँ पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन चेक कर लें। फ़ीस का पेमेंट आपको करना होगा, तो 700 रुपये का फ़ीस का पेमेंट आप लोग यहाँ पे करेंगे। और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, आप लोगों को कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए यह फॉर्म फ्री रहेगा। इसके बाद दोस्तों सिलेक्शन का प्रोसीजर आप लोगों को बता दिया गया है। ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों का लिया जाएगा और ऑनलाइन टेस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे जॉइनिंग मिलेगी, आपके मेरिट लिस्ट मिलेगी, फिर आपको यहाँ पे ज्वाइन कर लिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अप्लाई किस तरीके से करना है, लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने की क्या रहेगी। तो यहाँ पर लिखा है हाउ टू अप्लाई, तो आपको ये वाली वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर देना है। 24 मार्च 2022 सुबह के 8 बजे से ये फॉर्म भरना यहाँ पर शुरू हो चुके हैं और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 7 अप्रैल 2022 शाम के 5 बजे तक का समय आप लोगों को दिया जा रहा। 7 अप्रैल तक आप लोग इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए आपको इसमें दी गई, ये सारी जानकारी मैंने आपको इसमें प्रोवाइड करा दी। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा ज़रूर बताएँ। और दोस्तों ये जितनी भी वैकेंसी है इनमें सैलरी पैकेज आपको अच्छा रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अंडरटेकिंग, ये भारत सरकार के तहत ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे वर्क करते हैं। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इनमें सैलरी पैकेज आपको बेहतरीन मिलता है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें अगर कुछ ना कुछ जानकारी आपको यहाँ पे इस वीडियो से मिली है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे और भी वैकेंसी की जानकारी मिलती रहेगी। तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन का क्लिक करें। स्वास्थ्य विभाग की ऑल इंडिया वैकेंसीज की जानकारी इसी तरीके से आगे भी पाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।